तो हेलो ट्वेल्थ के प्यारे बच्चों, जैसा कि तुम लोग देख ही रहे हो कि मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ। अगर तुम लोगों को ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो नीचे मेरा नंबर है, व्हाट्सएप पे है, मुझे मैसेज करोगे सर हमें भी ऑनलाइन क्लास में आप ऐड कर लीजिए। एक मैंने जो क्लास ली थी उसकी सैम्पल वीडियो मैंने डाल भी दी है, अभी यूट्यूब पर थोड़ी देर पहले ही डाली थी मैंने। और आज मैं क्या करूँगा, जो भी डायपोल से रिलेटेड और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो भी डेरिवेशंस आती है, चाहे वो एक्सियल पॉइंट हो, चाहे वो इक्वेटोरियल पॉइंट हो, चाहे वो एनी पॉइंट हो, चाहे वो टॉर्क हो, सारी जो मेन चार डेरिवेशन है जिनको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला भी है कि कैसे उनका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मैंने भी अपने जो ऑनलाइन क्लास में बच्चे पढ़ते हैं उनको मैंने बना भी रखा है कि टॉपिक टू के नाम से देता हूँ मैं उन्हें, कि सेक्शन बी में टॉपिक रिलेटेड जो भी सीबीएसई डेरिवेशन है वो पाँच जो डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होती है वो मैं बता रहा हूँ। डेरिवेशन क्या होती है कि आपको 3 से 5 मार्क की आती है और आपको क्या करना पड़ता है कि वहाँ पर एक पर्टिकुलर फॉर्मूला निकाल के दिखाना पड़ता है, क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड हो तब क्या फार्मूला होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं आपकी इक्वेटोरियल पॉइंट पे हो, एक्सियल पॉइंट पे हो या एनी पॉइंट पे हो, तो उसका सबका अलग फार्मूला होता है, तो वो हम अलग फार्मूला देखेंगे। और साथ ही साथ में मिड पॉइंट का भी फार्मूला बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो वन बाय वन हम सारी डेरिवेशन को लेंगे। जो मैं पहला आपकी डेरिवेशन आज लूंगा वो लूंगा डायपोल के साथ जब टॉर्क एक्ट करता है, जब डायपोल के साथ टॉर्क एक्ट करता है, यानी कि इसका क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डिराइव एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन निकालना है टॉर्क का जब इलेक्ट्रिक डायपोल एक इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद हो, क्लियर। तो कैसे करते हैं, उसका डायग्राम कैसे बनाते हैं, प्रॉपर अच्छे से समझना, क्लियर। देखो क्या होता है कि ऑनलाइन क्लासेस में हम डेरिवेशन को इतना अच्छे से बता नहीं पाते क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा आपको बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है, और दूसरी बात थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर माइंड में होना चाहिए कि कैसे डेरिवेशन हो रही है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो आपका डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल या इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों इलेक्ट्रिक वर्ड से जुड़े हुए हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब क्या होता है कि मैं आपको बता देता हूँ कि आपका, आप जानते हो कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज हो और कोई नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाती है, नेगेटिव की तरफ जाती है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है अपने अंदर से, ठीक है, और नेगेटिव की तरफ वो जाती है, तो ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि ये देखो प्रॉपर इनके बीच में एक सिंक्रोनाइज डिस्टेंस है, एक्यूरेट बीच में डिस्टेंस है। और अगर वहीं पर अगर हम बात करें नॉन, देखो पॉजिटिव से जा रही है एकदम बिल्कुल स्ट्रेट यूनिफॉर्मली, मतलब प्रॉपर डिस्टेंस के साथ नेगेटिव की तरफ जा रही है, तो ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, क्या आपकी, ये देखो ये एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जांपल है। अब इसके अंदर ये जो डिस्टेंस है कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है, और कभी ये स्ट्रेट हो रही है, कभी ये सर्कुलर हो रही है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लियर है। ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इससे जो मैंने पहले बताई वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो होता क्या है, अभ्यास समझना कि आपका एक डायपोल है, डायपोल मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है, और दोनों जो सेपरेटेड है, ठीक है, वो किस ए से डिस्टेंस, 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड है, ठीक है, 2a डिस्टेंस से आपके सेपरेटेड है, ये आपका एक डायपोल होता है, क्लियर है। ये डायपोल का आपका ओरिजिन होता है, ठीक है, इसके अराउंड ये रोटेट करता रहता है, डायपोल इस ओरिजिन के अराउंड रोटेट करता रहता है, मतलब ये फिक्स पॉइंट रहेगा उसके अराउंड ये रोटेट करेगा, क्लियर कट बात है, ठीक है। अब इसके अंदर ध्यान से आप समझना कि इस डायपोल के अंदर एक जबरदस्त चीज क्या हो रही है, इस जबरदस्त चीज होती है डायपोल की, डायपोल मोमेंट एक वैक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। डायपोल मोमेंट क्या होता है, पी वैक्टर, और वो होता है डायपोल मोमेंट क्यू मल्टीप्लाई बाय 2a, ठीक है। क्यू यानी कि चार्ज, इन दोनों का चार्ज, जो चार्ज होता है वो सेम होता है डायपोल के अंदर, तो चार्ज आप इन दोनों का कोई सा भी लो, वो एक चार्ज ले लो क्योंकि दोनों का सेम है, इसका भी 2 माइक्रोकूलम है तो इसका भी 2 माइक्रोकूलम है, तो चार्ज सेम है, तो चार्ज हो गया 2 माइक्रोकूलम, और ए जो है इनके बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। अब ए को थोड़ा ध्यान से समझना, मान लो ये पूरा 10 मिलीमीटर है, तो 10 मिलीमीटर है, तो 2a पूरा 10 मिलीमीटर है, आपको इसके अंदर सीधा 10 मिलीमीटर डाल देना है, 10 × 10⁻³ मीटर, मिली की जगह 10³ लग गया, तो 2a की जगह आप पूरा 10 डाल सकते हो, और a कितना हो जाएगा, 5 मिलीमीटर, क्लियर है। तो ये आपका डायपोल मोमेंट होता है q × 2a, डायपोल मोमेंट आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप कि p = q × 2a होता है।
हर डायपोल रोटेट करता है तो वो डायपोल मोमेंट करता है। अब इस डायपोल मोमेंट को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालेंगे और टॉर्क देखेंगे, टॉर्क क्या चीज है। क्लियर? तो मैं ध्यान से आपको समझाता हूं क्या चक्कर है। तो आपकी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेनी है सबसे पहले आपको। आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली, बहुत सारी बना ली, और ये ई वेक्टर लिख देना है, ठीक है। ये मैं अब डेरिवेशन स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। डेरिवेशन क्या है, डेरिवेशन का ऊपर आपको हेडिंग लिख देता हूं मैं। डेरिवेशन की हेडिंग है आपकी टॉर्क इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका डेरिवेशन है, टॉर्क इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? ये आपका फर्स्ट है। इसका क्वेश्चन आपको शो हो जाएगा यहां पर कि इसका क्वेश्चन कैसा आएगा वो। तो अब इसके अंदर देखो, आप ध्यान से समझना, ये देखो आपका डायपोल पड़ा हुआ है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और ये डिस्टेंस कितना है, टू वे डिस्टेंस है, टू वे डिस्टेंस है, और ये इसका ओरिजिन है। इस पे फोर्स ऐसे ऊपर की तरफ लग रही है और इस पे फोर्स नीचे की तरफ लगती है। कोई चीज रोटेट होती है ना, कोई भी चीज आपको रोटेट करनी है, ठीक है, तो आपको यहां से ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी और यहां से नीचे लगानी पड़ेगी, तभी वो रोटेट करेगी। देखो ध्यान से देखो कैसे रोटेट कर रही है। मैं यहां से फोर्स ऊपर लगा रहा हूं, इसका टेंजेंट ऐसे ऊपर टच करते हुए जा रहा है और इसका नीचे जा रहा है, तो आपका फोर्स इसको ऊपर इसको नीचे इस तरीके से देखो रोटेट कर रहा है। क्लियर है? तो इसका जो फोर्स का वेक्टर है, फोर्स का वेक्टर है, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज पे लग रहा है, पॉजिटिव क्यू पे, वो ऊपर है, और ये जो वेक्टर बनाया है ये फोर्स नेगेटिव क्यू है। क्लियर है? ये फोर्स नेगेटिव क्यू और वो फोर्स पॉजिटिव क्यू, ठीक है। एक और आपको बता दूं जो बातें आपको कंसीडर करनी है वो होती है फोर्स, आपको मैं बता दूं होता है क्यू इंटू ई। फोर्स का फॉर्मूला होता है आपका क्यू इंटू ई, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पे लग रही है, दोनों चार्ज है, वो चार्ज का सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड लेना है, चार्ज का सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड का मतलब यहाँ पे ना ही आपको पॉजिटिव लेना है या ना ही नेगेटिव लेना है। मान लो आपको चार्ज बोला हुआ है एक जगह -3 माइक्रोकूलम है और एक जगह +3 माइक्रोकूलम है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, 3 माइक्रोकूलम से मतलब है, पॉजिटिव और नेगेटिव से मतलब नहीं है। तो सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड डालना है और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डालना है। किसका मैग्नीट्यूड डालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ये चार्ज का मैग्नीट्यूड, ये कंसिडरेशन आपको रखनी है, सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड। तो पहला आपको बात याद रहनी चाहिए कि फोर्स इज इक्वल टू चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि पी जो होता है आपका, पी वो आपका होता है क्यू इंटू टू ए, पी इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए। ये दो बातें आप कंसीडर कर लो, कंसीडर मतलब आपको अपने दिमाग में रखनी है कंसीडर करके, और ये आपको डायग्राम बना लेना है ऐसे, ठीक है। 2a इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है और वो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ऊपर की तरफ फोर्स पॉजिटिव पे लग रही है और ये नीचे फोर्स पर लग रही है, ठीक है। टॉर्क का मतलब क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स का वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, फोर्स का वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, फोर्स का वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का भी वेक्टर। टॉर्क को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एफ क्रॉस ये, और अगर आप वेक्टर हटा देते हो तो ये बन जाता है एफ डी साइन थीटा। याद रखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैंने डी से शो किया है तो एफ डी साइन थीटा, ये आपका टोटल टॉर्क आ चुका है। अब इस टॉर्क के अंदर हमें क्या करना है, इस टॉर्क को हमें कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, क्योंकि टॉर्क ही ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके अंदर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड अभी आ नहीं रहा है, तो इसलिए याद रखना कि इस पूरे फॉर्मूले को आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में चेंज करना पड़ेगा। इसलिए देखो, अब मैं जो इस फॉर्मूले में चेंज लाने वाला हूं, इस पूरे फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले को नोट कर लो और इस फॉर्मूले में देखो चेंज क्या आएगा, चेंज आएगा एफ की जगह जो एफ है, ठीक है, ध्यान से देखना, उसकी जगह मैंने डाल दिया क्यू ई, एफ की जगह डाल दिया क्यू ई, एफ की जगह आ गया क्यू ई, और डिस्टेंस की जगह आ गया आपका टू ए, टोटल डिस्टेंस कितना है टू ए, टू ए आ गया, और साइन थीटा की जगह साइन थीटा आ गया आपका। क्लियर है? एफ की जगह आ गया क्यू ई
और डी की जगह आ गया आपका डी जो है डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो 2AR डाला और साइन थीटा का साइन थीटा मैंने डाल दिया और आपका हो गया QE, E आगे रख लो या फिर आप ऐसे कर लो Q इंटू 2A कर लो E साइन थीटा, Q इंटू 2A E साइन थीटा। तो क्या हो गया ये P, देखो Q इंटू 2A क्या होता है P डायपोल मोमेंट, PE साइन थीटा। और अगर आप साइन थीटा दोबारा हटाओगे, वैसे तो यही न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला यूज होगा, न्यूमेरिकल में आज जब मैं नेक्स्ट आपकी ऑनलाइन क्लास लूंगा उसके अंदर ये न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है, PE साइन थीटा। तो आपको ये नोट करके रख लेना है कि PE साइन थीटा है, क्लियर। और वैसे इसका वेक्टर अगर आपको बनाना है, तो इसका वेक्टर का मैं बता देता हूं आपको, वेक्टर में इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, वेक्टर इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, ऐसे। तो पी क्रॉस ई ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट, साइन थीटा हटता ही आपका क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, ये आपकी पहला पूरा डेरिवेशन है, ये फॉर्मूला आपका यूज हो। तो बच्चों अब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही हम डायपोल को रखेंगे तो क्या होगा, उस पर टॉर्क लगेगा और वो रोटेट करेगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही आपका डायपोल होगा तो वो रोटेट करेगा। अब हम आते हैं अपने सेकंड टॉपिक के अंदर। सेकंड क्वेश्चन आपको ये बोलता है, राइट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 2A एट द मिड पॉइंट, ठीक है। तो अब ये मिड पॉइंट का क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। आपका जो डायपोल होता है वो होता है, एक तरफ ले लेते हैं हम लोग आपका नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव क्यू, एक तरफ ले लेते हैं पॉजिटिव क्यू, और दोनों का जो डिस्टेंस होता है वो 2A होता है। और आपको बिल्कुल बीचों बीच मिड पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की पर्टिकुलर वैल्यू आती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, और वो किस में आती है, न्यूटन पर कूलम के अंदर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई वैल्यू आएगी न्यूटन पर कूलम के अंदर तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, मतलब उसकी पर्टिकुलर स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है मिड पॉइंट पे, क्लियर है। तो अब थोड़ा सा इसको ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कूलम फोर्स होती है के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर जो ये क्यू है ये आपका है सोर्स चार्ज और क्यू नॉट है टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है, वो दूसरे चार्ज पे ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करवाता है, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल क्यू है ये आपका क्या है, ये है सोर्स चार्ज और ये है आपका टेस्ट चार्ज। ये सारी चीजें आप नोट करते हुए चलो, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। तो ई आपका क्या आ जाएगा, F की सारी ये पूरी वैल्यू डाली हमने, F की पूरी वैल्यू K Q Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन में Q नॉट, F की पूरी वैल्यू और नीचे का Q नॉट से Q नॉट कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई K Q अपॉन आर स्क्वायर। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझ में आ गया होगा कि ये इसका फॉर्मूला होता है, नॉर्मल फॉर्मूला। ये इसका क्या है, नॉर्मल फॉर्मूला जो यूज होता है, मतलब K तो इसके अंदर फिक्स है जो कि होता है 9 × 10⁻⁹, ये नॉर्मल फॉर्मूला है। इसके अंदर अब हम चेंज लाएंगे तो नॉर्मल फॉर्मूला तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला आपका होता है। तो K आपका ये हो गया, Q जो है वो क्या होगा आपका पर्टिकुलर एक चार्ज, कोई सा भी आप इसमें से Q ले लो, दोनों की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, तो कोई सा भी इनमें से आप Q ले सकते हो, ये वाला Q। और डिस्टेंस जिस पॉइंट पे हमें निकालनी हो, पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जिस पॉइंट पे निकालनी हो वो आपका डिस्टेंस हो जाता है, क्लियर है। तो अभी हमें मिड पॉइंट पे निकालनी है, मिड पॉइंट पे, क्लियर है। तो मिड पॉइंट पे डिस्टेंस दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, ए और ए। मिड पॉइंट पे आपको निकालनी है तो डिस्टेंस दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, ए। तो हम क्या करेंगे, यहां पर Q की तो कोई भी वैल्यू ले लेंगे और जो R होगा वो आपका A हो जाएगा। R जो है ना, जो डिस्टेंस होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर आपको निकालनी होती है वो A हो जाता है। तो R इक्वल टू A हो गया, A एक A, टोटल 2A होता है, तो यहां से भी A और यहां से भी A। तो टोटल आपका फॉर्मूला कैसे बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे आप, K Q अपॉन A स्क्वायर लिख लो ये फॉर्मूला, K Q अपॉन A स्क्वायर, क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। पर मैं आपको बता दूं
थोड़ा सा इसके ध्यान से देखना, डायपोल है, यहां नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है, बीच में जो आपने चार्ज रखा है, बीच में निकालना है, बीच में आपने जो चार्ज रखा है मान लो वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में रिपेल होंगे या अट्रैक्ट होंगे? तो देखो रिपेल होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं ड्यू टू पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड एक और आएगी इधर, ये इसे इधर धक्का देगा, ये अपनी फोर्स से इसे इधर धक्का देगा, और ये भी ये इसे खींचेगा। देखो ध्यान से समझना, मैंने कल भी बच्चों को बताया था कि मान लो कि आपको यहां से कोई धक्का दे रहा है और यहां से आपको कोई खींच रहा है, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को धक्का दे रहा है और ये नेगेटिव इसे खींच रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो डबल हो जाएगी, दो गुना हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पॉइंट पे। क्यों हो जाती है मिड पॉइंट पे दो गुना? क्योंकि एक तो आपको धक्का दे रहा है और एक आपको खींच रहा है, इसीलिए यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट वैल्यू आएगी मिड पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट वैल्यू आएगी वो मैं बता देता हूं, 2KQ/A² आएगी, 2KQ/A² ए क्या है? यहां से और यहां से डिस्टेंस, 2 क्यों आया? डबल हो गई। यहां पे आप लिख भी सकते हो कि E जो नेट होती है, जो नेट वैल्यू होगी वो E ड्यू टू पॉजिटिव प्लस E ड्यू टू नेगेटिव, इसलिए वो 2AE हो चुकी है, 2E मतलब जो भी ये वैल्यू आई थी उसका दो गुना। तो आप लोगों ने ये पूरा नोट कर लिया होगा अच्छे से, सबसे पहले ये नोट करना था आपको, फिर उसके बाद ये पार्ट नोट करना था, फिर आपको यहां पे डायग्राम बना के ये नोट करके ये नोट कर लेना, क्लियर? सही है, तो आपको मिड पॉइंट का समझ में आ गया होगा, ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, क्लियर है? अब आते हैं हम लोग सबसे मेन चीज एक्सियल और इक्विटोरियल पोजीशंस पे। एक्सियल और इक्विटोरियल पोजीशंस क्या होती है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से समझना। अब बच्चों ध्यान से देखो, अब हमारे को एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो बहुत ज्यादा वो आता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर डायपोल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन या फिर इसी में आता है इक्वेटोरियल लाइन का। तो पहले मैं आपको एक्सियल लाइन का बताता हूं, ठीक है? एक्सियल लाइन का डायग्राम बनेगा प्रॉपर एकदम बहुत अच्छा, 3 नंबर से 5 नंबर तक का न्यूमेरिकल डेरिवेशन आएगी, न्यूमेरिकल 2 नंबर का आता है, डेरिवेशन इसकी 3 नंबर की आती है। तो आप देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल लाइन या पॉइंट ठीक है, ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल पॉइंट या फिर लाइन, ये आपकी डेरिवेशन की हेडिंग हो गई। अब देखो थोड़े स्मार्ट बच्चे इसको ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे, यहां पर आपका है नेगेटिव चार्ज और यहां पर है आपका पॉजिटिव चार्ज, बीच में आपका ओरिजिन है, ये ए है, ये ए है, ठीक है? अब देखो हमें इसी लाइन में कहीं आगे किसी पॉइंट पे, इसी लाइन में पर्टिकुलर आगे लाइन में जा रहे हैं, मैं लाइन पे थोड़ा डॉट 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 कर देता हूं, कहीं दूर किसी पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आपको वैल्यू निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वैल्यू निकालनी है आपको इलेक्ट्रिक, उसे ही को हम एक्सियल पॉइंट बोलेंगे, जो यहां पॉइंट निकलेगा। मैं समझा दूं आपको कि डायपोल है, डायपोल में मतलब क्या होता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज है, उन दोनों की वजह से जो कहीं दूर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसका हमें वैल्यू निकालनी है यहां इस पॉइंट पे, ठीक है? तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट पे निकालनी है। पहली बात तो ये पॉजिटिव भी इस पे लगाएगा कुछ और नेगेटिव भी इस पे कुछ फोर्स लगेगी, दोनों की वजह से यहां कुछ फोर्स लगने वाली है। मान लो यहां पॉजिटिव चार्ज है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकालेगा, ये E ड्यू टू पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव चार्ज ऐसे लगाएगा इस पे, और ये होगी E ड्यू टू नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, थोड़ा ध्यान से समझ जाओ कि E ड्यू टू पॉजिटिव क्या है और E ड्यू टू नेगेटिव क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाता है। देखो यहां एक पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रिपेल करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ले जाएंगे, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड उस नेगेटिव तक ऐसे जाएगी। तो देखो
मैं आपको बताता हूं ई नेट कैसे निकलेगी। ई नेट निकलेगी आपकी ई पॉजिटिव की वैल्यू, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड, यानी कि वैल्यू माइनस ऐसे करेंगे हम। देखो ध्यान से देखो, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि एक वेक्टर उधर जा रहा है और एक वेक्टर इधर आ रहा है, तो इस वेक्टर में से क्योंकि वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, देखो ग्राफ में जो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है उस वेक्टर में से इस वेक्टर को हम माइनस कर देंगे। इसीलिए याद रखना कि मैंने यहाँ नेगेटिव लगाया नेट निकालने के लिए, और जो नेट होगा उसे ई एक्सियल बोलेंगे, उसे ई एक्सियल बोलेंगे। क्लियर है? अब मुझे बताओ, एक डिस्टेंस लेंगे अभी आर। आर क्या होता है? सेंटर से लिया जाता है आर, और उस पॉइंट तक लिया जाता है, सेंटर से इस पॉइंट तक लिया जाता है आर। देखो आर का मतलब यह है कि एक ऐसा डिस्टेंस जो आपके बता रहा है डायपोल से फिक्स डिस्टेंस है। बताओ मैंने आर यहां से क्यों नहीं लिया, पॉजिटिव से? उसका रीजन है कि ये तो अभी घूमेगा, ये घूमेगा तो फिर आर भी चेंज होता जाएगा। इससे भी नहीं लिया इसलिए क्योंकि ये भी रोटेट करेगा, तो इसका ओरिजिन है वो फिक्स पॉइंट पे रहेगा, इसलिए मैंने आर यहां से ओरिजिन से लिया। अब देखो मैं पूरा क्या करने वाला हूं, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो मजा आ जाएगा। E जो होता है वो होता है KQ upon R square। R मतलब डिस्टेंस। अब पॉजिटिव से ये जो आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव से यहां तक का डिस्टेंस इस वैल्यू में डलेगा KQ upon R minus A का होल स्क्वायर, और यहां डलेगा KQ upon R plus A का होल स्क्वायर। पूरे बच्चों की जिंदगी निकल जाती है फिर भी उन्हें यह समझ में नहीं आता कि यहां r माइनस a क्यों डाला और r प्लस a क्यों डाला। देखो कितना जबरदस्त चीज है और तुम्हें समझ में नहीं आएगी कि अभी ये क्यों डाला है, उसका रीजन तुम्हें अभी नहीं पता लगेगा। देखो रीजन ये है कि देखो ओरिजिन से हमने r ले रखा है डिस्टेंस, पर पॉजिटिव से डिस्टेंस देखो कितना है, r माइनस a पॉजिटिव से, इसलिए मैंने पॉजिटिव में r माइनस a डाला है। और नेगेटिव से कितना है पूरा देखो, R और फिर ये A, पूरा कितना हो गया R प्लस A, इसलिए मैंने जो डिस्टेंस है वो सिर्फ R नहीं R माइनस A डलेगा, इधर R माइनस A और इसमें डलेगा R प्लस A। क्लियर है? अब देखो मैथ्स का आज थोड़ा यूज करेंगे। क्लियर है? A प्लस बी का होल स्क्वायर का तुम्हें फॉर्मूला पता होगा, उसका भी यूज होगा। कैसे यूज होगा? पहले तो देखो कॉमन ले लो, ई एक्सियल निकालने के लिए कॉमन ले लो, के क्यू कॉमन ले लो तो 1 minus A का होल स्क्वायर माइनस 1 plus A का होल स्क्वायर। नीचे वाला तो कॉमन सेम नहीं है तो नीचे वाला वैसे ही रखा, के क्यू दोनों में से कॉमन ले लिया हमने। क्लियर है? अब मैं जो बाकी बात बता रहा हूं ध्यान से देखो, ठीक है? बाकी बात क्या बता रहा हूं, ये तो तुम्हें फॉर्मूला था जो पुराना फॉर्मूला जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो बताया था मैंने। अब देखो यहां मैं जो कर रहा हूं वो चेक करो तुम लोग। सबसे पहले ई एक्सियल को ई एक्सियल ऐसे ही लिख दिया हमने, ई एक्सियल को ई एक्सियल हमने ऐसे ही लिख दिया, के क्यू बार ऐसे ही पड़ा हुआ है। नीचे हो जाएगा r माइनस a का होल स्क्वायर प्लस प्लस नहीं r प्लस a का होल स्क्वायर, r प्लस a का होल स्क्वायर ऐसे एलसीएम ले लिया इन दोनों का। इसके पास r माइनस a है प्लस आर प्लस ए नहीं है, तो इसलिए मैंने यहां आर प्लस ए का, ध्यान से देखते रहना, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर ऐसा आएगा। तुम लोगों को एलसीएम अगर लेना आता हो तो पता होगा, ठीक है? अब ई एक्सियल हमें निकालना है तो के क्यू तो कॉमन आ गया। उससे पहले मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बता दूं, देखना a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a माइनस बी और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये आपका फॉर्मूला होता है। अब इसको थोड़ा ध्यान से और देखो, अगर मान लो ऐसे दो बार हो, इसका भी स्क्वायर हो, इसका भी स्क्वायर हो, तब क्या फॉर्मूला आएगा?
सोचो, इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, तब क्या फॉर्मूला आएगा? इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से समझना, क्या है फॉर्मूला? ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, कैसे? इन दोनों का मिला के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, इसका भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, और दोनों का क्या हो जाएगा फिर? दोनों सेम सेम है तो दोनों का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला एक याद रखना, वो फॉर्मूला यहां बनने वाला है आपका। कैसे? देखो, r माइनस ए का स्क्वायर है, r प्लस ए का स्क्वायर है, तो इसे लिख सकते हैं r माइनस ए r प्लस ए, एक ले लिया, और r माइनस ए r प्लस ए, r माइनस ए r माइनस ए r प्लस ए r प्लस ए, और सोचो इसका बनेगा r माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका भी बनेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और टोटल दोनों का फिर स्क्वायर हो जाएगा, तो टोटल आपका आंसर क्या आएगा? टोटल आपका आंसर आएगा इस पूरे एलसीएम का आंसर आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैथ्स तगड़ी लगी है इसके अंदर, ठीक है, कुछ बच्चों को इजी लगेगा, बट ये सच में एक तगड़ी मैथ्स है। ई एक्सएल क्या होगा अब आपका आंसर? नीचे हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे आपका ये आंसर आ गया। ऊपर वाला सारा खोलोगे ना, ऊपर वाला एक बार खोल के दिखाता हूं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, यहां आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, दोनों को खोला हमने, दोनों को खोला और बीच में माइनस है, माइनस इन सारे सिंबल्स को चेंज कर देता है, तो आर स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर टू ए बी, और इन सब में क्या हो जाएगा आर माइनस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ये और ये कटेगा, पता है क्या आएगा? फोर ए बी आंसर आएगा, फोर ए बी, ठीक है, फोर ए आर, यहां आर ले लेते हैं हम, ए आर, फोर ए आर, तो फोर ए आर आया आपका। तो फोर ए आर क्या चीज है? यहां पे हमने लिख दिया 4ar, अभी भी कुछ मिसिंग है इसके अंदर। देखो ई एक्सएल में नीचे वाले को सॉल्व कर दिया, ऊपर वाले को सॉल्व कर दिया, पर के क्यू कहां गया? के क्यू भी तो लिखना पड़ेगा, इसलिए के क्यू लिखना है आपको। अब ई एक्सएल का फाइनल आंसर निकालते हैं, ई एक्सएल का फाइनल आंसर के इंटू क्यू इंटू टू ए आर इंटू टू, फोर को जो मैंने टू ए आर इंटू टू लिखा है, अभी तुम्हें पता लगेगा रीजन क्या है वो, और नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, उसका रीजन है आपका q इंटू टू ए, सिर्फ r को अलग छोड़ दो, q इंटू टू ए क्या हो जाता है? p, तो आपका हो जाएगा के पी आर टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इस टू को आगे भी लिख सकते हो, तो टू के पी आर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। डेरिवेशन है, थोड़ी लंबी है, तभी तो मार्क्स मिलेंगे यार, इसलिए यहां तक पूरा नोट करना है आपको, यहां तक आपका जैसे ही नोट हो जाए, ये सारे स्टेप धीरे 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 सारे नोट करते चलो। ये कौन सा है आपका केस? इक्विटोरियल के लिए आपकी डेरिवेशन है। अब क्या होगा? देखो, हमने लास्ट छोड़ा हुआ है आपका ई एक्सएल का 2kpr अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। वैसे तो कुछ लोग इसी एज अ फॉर्मूला यूज करते हैं, पर सीबीएसई कहती है कि r इज वेरी ग्रेटर देन a, r जो है बहुत बड़ा है a से, तो अब इस a को नेगलेक्ट करना पड़ेगा आपको, अब इस आखिरी स्टेप में आपको इस a को नेगलेक्ट करना पड़ेगा, तो ई एक्सएल क्या आ जाएगा आपका 2kpr अपॉन r की पावर 4। कैसे? इसको जैसे ही आपने नेगलेक्ट करा, 2 और 2 पावर 4 हो गई, इसीलिए मैं बोलता हूं कि इसे आप नेगलेक्ट करो और पावर 4 करो, और ये से ये कट गया और यहां 3 हो गई, तो 2kp अपॉन r क्यूब, ये आपका ई एक्सएल का फाइनल आंसर आता है 2kp अपॉन r क्यूब। दस यही आपका सबसे मेन हैशटैग बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ई एक्सएल का। ठीक है, तो आपको यहां पर थोड़ी प्रॉब्लम होगी, किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगा कमेंट में लिख दो, सर ये हमें समझ में नहीं आया दोबारा से आप बता दो, तो मैं अलग से आपको एक
कॉपी में क्लिप बना के डाल दूंगा, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, सही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन अ एक्सियल लाइन, ये हो गया। अब आते हैं हम किसके ऊपर, इक्विटोरियल के ऊपर। इक्विटोरियल क्या चक्कर है वो बता देता हूं मैं आपको। देखो एक्सियल का हमारा आंसर क्या आ गया, ई एक्सियल इज इक्वल टू 2kp/r³, ठीक है। हमने a को नेगलेक्ट कर दिया था इसलिए हमारा ये आया। अब आते हैं इक्विटोरियल के ऊपर। इक्विटोरियल क्या होता है, क्या आपका डायपोल है, ये माइनस है, ये आपका प्लस है, टोटल डिस्टेंस क्या है 2a, ये ओरिजिन, यहां से a, फिर बचा हुआ a, ठीक है, ये आपका ओरिजिन होता है। हम इसी ओरिजिन में कहीं पर भी रखें, इसी ओरिजिन से ऊपर या नीचे कहीं पर भी रखें, देखो मान लो यहां रखें किसी और तीसरे चार्ज को, दो चार्ज तो आपके यही है ही है, क्यू और क्यू दो चार्ज तो है ही, तीसरे चार्ज को इस लाइन में कहीं पर भी रखे तो वो इक्विटोरियल होता है। इक्विटोरियल मतलब इक्वल डिस्टेंस है यहां से, अगर आप यहां पर भी रखोगे तो इक्वल डिस्टेंस है, कहीं पर भी आप रखो तो वो इक्विटोरियल डिस्टेंस होता है, इसीलिए इसे इक्विटोरियल पोजिशन बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्विटोरियल पोजिशन। समझ में आ रहा है? तो हमारा टॉपिक क्या होगा बताओ, क्या निकालनी है हमें, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, ठीक है, ऑन इक्विटोरियल पोजीशन। क्लियर है? तो कैसे करना है हमें, सबसे पहले प्यारा सा एक डायपोल बनाएंगे, प्यारा बनाते हैं यार, थोड़ा नेगेटिव और पॉजिटिव डायपोल प्यारा सा हमने बना लिया। ये आपका ओरिजिन है, यहां से डिस्टेंस ए है, यहां से भी ए है। हमें पता है ना, हमेशा कोई हमने जहां पर भी पॉइंट रखते हैं, जो भी हम पॉइंट लेते हैं, पी या क्यू ले लेते हैं, क्यू पॉइंट ले लो, उसका हमेशा डिस्टेंस आर यहां से ओरिजिन से लेते हैं। आर इसलिए यहां से लेते हैं क्योंकि देखो ये ओरिजिन कभी चेंज नहीं होगा, ये तो रोटेट करता जाएगा पर ये कभी चेंज नहीं होगा, तो होगा ये, थोड़ा ध्यान से बना देता हूं आपको, ये आपका आर हो गया, ठीक है। अब थोड़ा तुम लोग अगर पाइथागोरस जानते हो तो तुम्हें ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस पता होगा, पता है ये क्या होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आएगा, इसका भी यही आएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ, रूट को आप हाफ भी तो लिख सकते हो, तो कुछ लोग ये लिखते हैं या फिर आप ये लिख लो, कोई बात नहीं। ये कैसा आया, पाइथागोरस से निकाला है मैंने, ये पाइथागोरस से निकाला है मैंने हाइपोटेनियस को, अंडर रूट ऐसे होता ना, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो उसके हिसाब से आया ये। अब आते हैं हम यहां पर कैसे हम वेक्टर डायग्राम बनाएंगे, कैसे हम वेक्टर डायग्राम बनाएंगे। पॉजिटिव यहां पर भी एक चार्ज जो हमने रखा है ना, वो भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फेंकेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे ले जाएगा ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है आपकी, मतलब ये पॉजिटिव है, देखो ये पॉजिटिव ये इस पर ऐसे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, कहेगा भाग यहां से, तो वेक्टर ऐसे गया, और नेगेटिव इसको ऐसे खींचेगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है, ये ड्यू टू पॉजिटिव और ये ड्यू टू नेगेटिव, यहां ड्यू टू पॉजिटिव या ड्यू टू नेगेटिव। तो देखो एक वेक्टर डायग्राम आया है निकल के, ई पॉजिटिव ई नेगेटिव, ये इसको ऐसे धक्का दे रहा है और ये इसको ऐसे खींच रहा है, तो नेगेटिव पॉजिटिव का आपको ये समझ में आ गया होगा कि दो वेक्टर आपके आ चुके हैं। अब जो बीच का वेक्टर आएगा ना, वही आपका रिजल्टेंट होगा, नेट होगा, मैं बता देता हूं, इन दो वेक्टर्स के बीच का जो आएगा वही इनका क्या होगा, नेट होगा। क्लियर है? और मान लो ये थीटा है, ये भी थीटा है, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, दोनों से बराबर एंगल पे है ना ये, इसलिए दोनों का थीटा, तो पता ही है कितना होगा आपका, 2θ होगा। कैसे होगा 2θ? 2θ यहां पर कैसे आया, देखो ये जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओ,
एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, इसलिए यहां पर टू थीटा आ गया आपका, अंदर थीटा और ये थीटा आपका टू थीटा आ गया। अगर इसको थोड़ा सा और प्यार से हम डिवाइड करें, थोड़ा सा और प्यार से डिवाइड करें, ई ड्यू टू नेगेटिव, सॉरी ये ड्यू टू पॉजिटिव है, ये ई ड्यू टू नेगेटिव है। क्या दोनों की वैल्यू सेम है? हाँ दोनों की वैल्यू सेम है। दोनों सेम कैसे लगा रहे हैं पावर? दोनों सेम पावर ऐसे लगा रहे हैं, दोनों का चार्ज सेम है, डाइपोल की वजह से चार्ज सेम है, और दोनों का डिस्टेंस सेम है, दोनों का डिस्टेंस भी सेम, चार्ज भी सेम, इससे यहां तक का भी डिस्टेंस सेम है, यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस सेम है, और चार्ज दोनों का जो लगाने वाले दोनों चार्ज है क्यू और क्यू, दोनों यहां पर जो नेगेटिव और पॉजिटिव क्यू है उनकी भी वैल्यू सेम है, इसलिए ई जो एक्सियल है, ई जो इक्विटोरियल है, इसे बोलते हैं ई इक्विटोरियल, इक्विटोरियल ये बराबर डिवाइड होगा थीटा और थीटा पे, थीटा और थीटा पे, क्योंकि मैंने बताया था टू थीटा है, तो ये थीटा और थीटा बराबर होगा आपका। और एक और जिन बच्चों को वो करना आता है रेजोल्यूशन, अगर आपको मान लो ये ई है और ये ई है, ध्यान से देखना मजा आएगा। तुम्हें बताया है जब भी हम इसको रिजोल्व करते हैं, रिजोल्व करते हैं, रिजोल्व मतलब एक वेक्टर इधर लेके जाओ एक, तो इधर आता है ई साइन थीटा और यहां आता है ई कॉस थीटा, इसका इसके दो क्या बनेगा, ई साइन थीटा ई कॉस थीटा, इसका क्या बनेगा ई साइन थीटा और इसके साथ एक और ई कॉस थीटा, क्योंकि दोनों एंगल से जुड़े हुए, तो यहां पर क्या हो जाएगा टू ई कॉस थीटा और ये साइन थीटा कट जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे आप जानते हो वेक्टर कट जाते हैं और ये दोनों एक ही तरफ आ रहे हैं, तो यहां पर आएगा 2e sin थीटा। अब दोनों को कंपेयर करो, e इक्वेटोरियल और ये भी e इक्वेटोरियल, हमें ये बीच वाला वेक्टर निकालना था और e वेक्टर और ये वाला वेक्टर कितना आ गया, सब कुछ इसी डायग्राम के अंदर है भाई लोग। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको समझने में पर आ जाता है। क्या करा हमने, जो दो वेक्टर बनाए थे ना हमने, दो वेक्टर एक और ये वाला वेक्टर, उन दोनों के कंपोनेंट कर लिए, तो इसका e sin थीटा इधर कंपोनेंट और इसका भी इसका e sin थीटा उधर और e cos थीटा इधर, इसका e sin थीटा इधर e cos थीटा ऊपर, और दोनों को जोड़ोगे तो आपका e इक्विटोरियल आ जाएगा e cos थीटा 2e cos थीटा, यही आपका मेन आंसर बनने वाला है आगे जाके। e इक्विटोरियल हम जो निकालेंगे ना वो e cos थीटा 2e cos थीटा बन जाएगा। तो आप ये सारे वेक्टर डायग्राम अच्छे से नोट कर लेना, दिमाग में इसकी फोटो खींच लो, पहले नंबर पर ये बनाना है, दूसरे पर ये बनाना है, तीसरे पे ये बनाना है और चौथे पे ये बनाना है, ताकि टीचर को अच्छे समझ में आ जाए कि आपको कैसे डायग्राम को बनाना है। क्लियर है? देखो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, ये डायग्राम बहुत मेन है, इतना जिसमें आपने इसका ई कॉस थीटा इधर लेके आए, इसका ई साइन थीटा यहां लेके आए, इसका ई कॉस थीटा इधर लेके आए, ई साइन थीटा इधर आए, और दोनों को जोड़ के 2e cos थीटा आपने कर लिया, सही है। अब क्या करेंगे, अब भैया हमारे को जो आंसर मिला था उसको आगे बढ़ाने का वक्त आ चुका है। हमारा आंसर आया e इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2e cos थीटा। अब मैं आपको बता दूं 2 इंटू के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर होता है इंटू cos थीटा, हम ऐसे करेंगे, क्लियर है। और मैं आपको बता दूं डिस्टेंस क्या, कौन सा पॉजिटिव से डिस्टेंस, नेगेटिव से डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन लगा रहा है, एक पॉजिटिव लगा रहा है एक ये नेगेटिव लगा रहा है, तो ये देखना मजा आने वाला है। टू का टू आ गया, इसकी जगह के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो डाला, और डिस्टेंस की जगह तुम देखो क्या डाल रहा हूं मैं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पहले ही मैंने बताया था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। और कॉस थीटा पता है क्या होता है, कॉस थीटा पता है क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो इक्विटोरियल इज इक्वल टू, क्या आपको लगता है अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा? हाँ भाई कटेगा, कटेगा, क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर वन, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर वन मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेनियस। और बेस क्या क्या है, देखो इस पूरे ट्रायंगल के अंदर बेस है ए, बेस है ए, इस पूरे ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बेस है ए, और हाइपोटेनियस पता है क्या है, यही हाइपोटेनियस।
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ, पावर हाफ है इसकी, इसकी पावर वन हो चुकी है, इसकी पावर ये रूट हंड्रेड की वजह से वन हो चुकी है, इसकी पावर हाफ है, तो टोटल बताओ कितनी आएगी। पता है पावर ऐड हो जाती है, पावर ऐड करो और पता है क्या आएगी पावर, थ्री बाई टू, करो मजा आएगा यार करो। पता है क्या, सारी चीजें लाइफ में झूठ है, ये चीज सच इसलिए क्योंकि देखो ये आपको एडजस्ट करनी है और कोई चीज आपको याद रहे ना रहे, मतलब आप यूट्यूब पे टिकटॉक पे बहुत सारी न्यूज तक पढ़ लो पर ये चीज आपको याद रहनी ही रहनी चाहिए, क्लियर है। अब आते हैं आगे, आगे क्या है, आगे है आपका इन सबको ऐड कर, ये पहले मैं हटा देता हूं, मैं आपको ये एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है यहां पे और करके दिखाई देता हूं कि आपका इक्विटोरियल आएगा 2kqa अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, 1 + 1/2 3/2, और k ऐसे ही रखो, 2 को अंदर ले आओ, क्या होगा भैया पता है क्या आएगा, मैं बता देता हूं आपको, के पी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर, ये आपका इक्वेटोरियल आ चुका है, ये आपका इक्वेटोरियल पोजीशन आ गई है, के पी इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अब वो जो हमने एक्सियल में करा था ना, एक्सियल में हम क्या करा था, ए को नेग्लेक्ट करे थे, हमने ऐसे लिखा था ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, सॉरी आर इज वेरी ग्रेटर देन ए, बहुत ज्यादा बड़ा है तो इस ए को नेग्लेक्ट करो अभी भी, और क्या आंसर आ रहा है आपका इस बार, आपका आंसर क्या आ रहा है, देखो मैं बता देता हूं आपका आंसर क्या आ रहा है इस बार भी, इक्वेटोरियल इज इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 है, इस पूरे को नेग्लेक्ट कर दिया, इस पूरे को नेग्लेक्ट कर दिया, तो हमने क्या करेंगे के पी अपॉन में आर स्क्वायर इंटू 3/2 हो जाती है, पावर ऐसे मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 से 2 कट गया और इक्विटोरियल आपकी आ गई के पी अपॉन आर क्यूब, के पी अपॉन आर क्यूब, और पिछली बार पता कितनी आई थी, 2 kp / r³ आई थी एक्सियल में, तो हम कंपेयर करें दोनों को, ई एक्सियल कितनी होती है 2 kp / r³, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ई एक्सियल इज 2 times ई इक्वेटोरियल, ई एक्सियल इज 2 times ऑफ ई इक्वेटोरियल, ये आपका है मेन फंडा, ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 times ऑफ ई इक्वेटोरियल, तो आपकी ये भी डेरिवेशन हो गई है, ठीक है। अब हम निकालना चाहते हैं डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, आपको एनी पॉइंट निकालने हैं, कैसे निकालेंगे हम एट एनी पॉइंट, और ये अब दोनों डेरिवेशन साथ में करवा रहा हूं, 2 और ये जो 4th है दोनों मैं आपको नीचे दे दूंगा कि दोनों साथ में है, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ फोर्स के साथ कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पूरी डेरिवेशन साथ में आपको करवा देता हूं, वही जो नॉर्मल वाली बताई थी ना मैंने आपको वही है, ठीक है, फटाफट बता देता हूं, ये देखो मेन तो यही है, अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड एट एनी पॉइंट निकालनी है तो क्या करेंगे, पहले उसको फोर्स के साथ लिंक करो, मैंने बताया था ई आपका होता है F upon Q naught, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप फोर्स बताओ उसे क्या होता है, K Q Q naught upon R square, ठीक है। फिर क्या करो, इस पूरी फोर्स की वैल्यू यहां डाल दो, तो आपका क्या हो जाएगा, K Q Q naught upon R square upon में Q naught, ये सही, ये कट गया, ठीक है, तो आपका आ जाएगा फाइनल आंसर E is equal to K Q upon आर स्क्वायर या फिर के क्यू अपॉन डिस्टेंस का, जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, ये आपका है, ठीक है, ये फोर्स के साथ उसका कॉन्सेप्ट है और ये आपके, ठीक है। तो ये जो दोनों पार्ट आ रहे हैं आपके सामने, ये दोनों पार्ट आपके कवर हो जाएंगे, दैट्स इट, ये सारी आपकी प्रॉपर डेरिवेशन थी जो इसके अंदर लगी है, ठीक है। तो आप प्लीज पढ़ते रहें और पढ़ाई को यार करते करते एंजॉय करो, बाकी ऑनलाइन क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।